नमस्कार, मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 चुनाव को देखते हुए लगातार सरगर्मियों का दौर जारी है, बयानों का दौर जारी है, तैयारियों का दौर जारी है और जारी है राजनीति और रणनीति का दौर। यहाँ पर एक तरफ समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी से मुलाकात करती है, बैठक होती है और बैठक के माध्यम से यहाँ पर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनमें ऊर्जा फूल के काम किया जाता है और 24 के लिए रणनीति बनाई जाती है और विपक्ष को यहाँ पर एकजुट करने का प्रयास भी किया जा रहा है। हालांकि ये मोर्चा अलग बनने की कवायद भी शुरू हो गई है। खैर, यहाँ मोर्चे की बात नहीं करें, यहाँ बात कर रहे हैं बीजेपी के मुस्लिम प्रेम की, यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पसमांदा समाज का सम्मेलन करा चुकी है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात, जो कि प्रत्येक माह के आखिरी रविवार को होती है, उस मन की बात को अब उर्दू में अनुवाद कराकर और अब मुस्लिम वर्ग को तोहफे के रूप में दिया जाएगा। कारण, उनके मन की बात का संवाद जब उर्दू में होगा तो उसे मुस्लिम वर्ग को पढ़ेगा भी, धर्मगुरुओं को भी, बुद्धिजीवियों को भी और तमाम मुस्लिम वर्ग के बड़े बड़े जो धर्मगुरु हैं, ज्ञानी हैं, उनको ये दिया जाएगा। और जो बीजेपी की मनसा है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की जो एक आधार पर चलते हैं, उसकी जानकारी उनको भी देना है। खैर, बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि हम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं हैं, सब वर्ग हमारे हैं और जो भी हमारी योजनाएं होती हैं वो योजनाओं के माध्यम से हम सभी वर्गों का यहाँ साथ लेकर चलते हैं। चाहे आवास की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो और चाहे शौचालय की बात हो या अन्य की बात हो, अन्य योजना की बात हो, सभी जगह सभी वर्गों के लिए यहाँ व्यवस्थित किया जा रहा है और किसी वर्ग के साथ यहाँ पर पक्षपात बीजेपी नहीं करती है, सरकार नहीं करती है। और अन्य योजना तो ऐसी कि जिसकी किरवंती बन चुकी है, क्योंकि अगर हम बात करें कोरोना के समय, तो कोरोना के समय WHO के जो संगठन है उसके माध्यम से केवल 14.5 करोड़ लोगों को राशन दिया गया था मुफ्त, जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें यहाँ पर 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन दिया जा रहा है और ये अपने आप में रिकॉर्ड बन चुका है इस देश के द्वारा उसके नागरिकों के लिए इतनी बड़ी अन्न राशन योजना जो लगातार फिलहाल चालू है। बीच में जरूर कुछ दिन में रोकी गई थी, उसके बाद फिर इसको चालू कर दिया गया। खैर, आर्थिक मार झेल रहे तमाम लोगों के लिए, देश की जनता के लिए इस तरह की योजनाएं आती रहती है और समय समय पर तमाम तरह के माध्यम और तमाम तरह की योजना के माध्यम से जनता को लाभ भी पहुंचाने का काम फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा होता रहता है। पर यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी सरकार यहाँ पर एक अलग मंसूबे के साथ आगे बढ़ रही है, कहना है 24 के चुनाव में अगर हमको मुस्लिम वर्ग का भी साथ मिलेगा तो नई रिकॉर्ड के साथ हम यहाँ पर सरकार बनाते नजर आएंगे। खैर, हैट्रिक की बात तो उनके तमाम नेता बोल चुके हैं कि इस बार हैट्रिक करने जा रहा है और कोई हमको रोक नहीं सकता है, तो पर अगर मुस्लिम वर्ग भी साथ दिए तो शायद इसमें और तरजीह भी मिलती नजर आएगी। कारण क्या है? कारण यह है कि बीजेपी अब मुस्लिम वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू कर चुकी है, पहले उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते ही केंद्र का रास्ता होकर जाता है, तो निश्चित रूप से पहले पसमांदा समाज के सम्मेलन हुए और लगातार सम्मेलन किए गए। हालांकि विपक्ष का कहना था कि ये केवल केवल दिखावा है, बीजेपी मुस्लिम वर्ग को ना पूछती है ना पूछना चाहती है। पर इसके अलावा यहाँ पर उर्दू अनुवाद होगा मन की बात का और 130 पन्नों की एक किताब छपेगी, छप रही है, और उसके बाद ये बांटी जाएगी खासतौर से उन जगहों पर उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 14 जिलों में बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई है, यानी 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हार हासिल हुई है। वहाँ पर कैसे अपने आप को मेहनत करेंगे, कैसे मजबूत करेंगे और कैसे वहाँ पर बीजेपी अपना परचम लहराएगी, इसको देखते हुए महत्वपूर्ण बात है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जिस तरह से अल्पसंख्यक मोर्चे ने बीड़ा उठाया है कि मुस्लिम वर्ग के बीच में एक बात बताने का कि बीजेपी आपकी विरोधी नहीं बल्कि बीजेपी आपकी ही पार्टी है, और जिसका लगातार मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यहाँ पर स्वागत भी किया है। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण बयान से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम ये बात कई मर्तबा कह चुके हैं कि मुसलमानों की किसी भी पार्टी से या किसी भी संगठन से कोई जाति लड़ाई नहीं है। हम न किसी के ख़िलाफ़ कोई जहर अफशा बात करते हैं और ना हम ये किसी से कहते हैं कि किसी को वोट दें और किसको वोट ना दें। लेकिन अगर कोई पार्टी मुसलमानों के ताल्लुक़ से अपने जहन व दिमाग को साफ़ करके मुसलमानों के करीब आना चाहती है तो ये किसी की जागीरदारी नहीं है कि वो उनको उनके करीब आने से रोके। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी लोग मुसलमानों के ताल्लुक से अच्छे इकदाम करने के लिए कोशा हैं उनको अपनी नीयत भी साफ़ करने की ज़रूरत है और साथ साथ उन लोगों पर भी पाबंदी लगाने की ज़रूरत है जो उन्हीं की पार्टी में रहकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशा गुफ्तगू करते हैं या जहर अफशानी करते हैं।
इसलिए मुसलमान किसी पार्टी को, किसी जमात को या किसी संगठन को ना तो नफ़रत की नज़र से देखता है और ना उनसे नफ़रत करना वो ज़रूरी समझता है। लिहाजा हमारा यही कहना है कि जो लोग भी मुसलमानों के करीब आना चाहते हैं उनका हम वेलकम करते हैं, वो मुसलमानों के करीब आएँ, लेकिन साथ साथ अपनी करनी और कथनी में अगर फ़र्क ना करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा मोदी जी के मन की बात, इसको उर्दू के साथ लोगों तक पहुंचाने का काम अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा। इसकी 1,00,000 कॉपियां मुस्लिम स्कॉलर, मौलाना, हाफिज, उन तमाम लोगों तक पहुंचेंगी जो टीवी से दूर हैं, जो रेडियो से दूर हैं और जिन तक मोदी जी की बात सुनने का उनको मौका नहीं मिला है, ताकि वो जान सकें कि किस प्रकार से मोदी जी रमज़ान की बात करते हैं, नवरात्रि की बात करते हैं, ईद की बात करते हैं, देश के संस्कारों की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं। अपने प्रधानमंत्री को जानने का उनको भी हक है और इस काम को अल्पसंख्यक मोर्चा एक किताब के रूप में, जो मन की बात उर्दू के साथ, इनको हम उन 14 लोकसभाओं पर मेन फोकस करेंगे, मुख्य फोकस करेंगे जिनको हम हारे हैं, और सभी जिलों के अंदर उन लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे जो उर्दू के अखबार को पढ़ते हैं और जो लोग शायर हैं, जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं और जिनको मोदी जी की बात जिन तक पहुंचनी चाहिए, तमाम बुद्धिजीवी लोगों तक ये बात पहुंचे और इसको बड़ी तादाद के अंदर लगभग 1,00,000 लोगों तक पहुंचाने का काम अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा, जिसके अंदर बड़ी तादाद में मन की बात को अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता वितरित करेंगे। मैटपुर चर्चा में से मन की बात उर्दू के साथ, भाई उर्दू में अनुवाद होकर आएगा तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की मनसा भी लोगों तक तो पहुंचेगी, उपलब्धियां भी बताई जाएगी और मुस्लिम वर्ग के बीच विश्वास जगाया जाएगा कि बीजेपी उनकी भी पार्टी है। खैर अभी तक तमाम तरह की ऐसी बात नहीं हुई है, पर चूंकि समय समय पर बयान ऐसे आते हैं जिससे कभी कभी राजनीति गर्माती है। चर्चा महत्वपूर्ण है। मेहमान जो चुके डुबर प्रवक्ता भाजपा से शमसी आजाद भाई अपना पक्ष रखेंगे, नेता सपा से बेबी पांडे अपना पक्ष रखेंगे, इस्लामिक स्कॉलर के रूप में आमिर साबरी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे सैयद मोहम्मद तकी और अमित गुरु कांग्रेस से अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो शमसी आजाद से रहेगा। शमसी भाई, 24 चुनाव आ गया, मन की बात तो लगातार जारी है, कभी रोका ही नहीं गया, पर 24 चुनाव को देखते हुए मन की बात आ रही है या वास्तव में ये मुसलमानों के लिए एक बेहतर पहल के साथ बीजेपी आ रही है और चाहती है कि अब मुस्लिम वर्ग का भी साथ हो? धन्यवाद गौरव जी आपका और आपके चैनल का जी, कि आज अपने मुद्दे में हम लोगों को शामिल किया, अपनी बातें कहने के लिए, अपनी पार्टी की बात जनता तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जी। और उसके पहले सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहेंगे नवरात्र की और रमज़ान की जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था उसी पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रही जी। आज उसी में एक कड़ी और जोड़ी गई है कि मन की बात जो सैकड़ों एपिसोड जिसका जो है हिंदुस्तान में अब तक किया जा चुका और जिसको बहुत ही चाव से लोग सुनते हैं कि कोई प्रधानमंत्री तक का आदमी, जिसको कहते हैं कि नेताओं के पास फुर्सत नहीं होती है, देश के प्रधानमंत्री के पास तो कहीं से भी वक्त नहीं होता जनता के लिए, लेकिन वो मन की बात जनता से करने के लिए और अपनी बात मन की जो होती है जनता को सुनाने के लिए हमेशा समय निकालते हैं। आज उसी कड़ी में एक और उन्होंने आयाम एक और नया निकाला है कि उर्दू में, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उर्दू में भी उसका तर्जुमा हो सके, जो अकलियत के लोग हैं, जो मुसलमान समुदाय के अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जिनको कहा जाता है कि उनको भाई नहीं समझ में आ रहा था, उनको समझाने के लिए बाकायदा किताबों के माध्यम से बाकायदा उसकी छायाप्रति बनाकर, बाकायदा उसको कॉपी बनाकर, प्रिंटिंग कराकर जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि 2024 के चुनाव को लेकर, जनता तो पहले ही 2022 के चुनाव में आपने देखा कि जो एक तबका कहा जाता था कि दूसरी पार्टी ने उसको अपना खरीद लिया है, उसको अपना गुलाम बना लिया है, लेकिन सब कुछ धता बताते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से शामिल हो चुकी है। क्योंकि हमेशा उस समाज को डराया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो आपसे जो है नागरिकता छीन ली जाएगी, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी आरएसएस के लोग आपके घरों में घुस जाएंगे, आपको पाकिस्तान भेज देंगे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आपको वोट देने का अधिकार छीन लेंगे। तो ये सारी बातें, ये सारी गलत फहमियाँ जो थी वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल से दरकिनार करते हुए जो जनता का विश्वास जीता, जो अल्पसंख्यक समाज का विश्वास जीता है, उसको कहीं से भी काटा नहीं जा सकता। आज यही बात है कि विपक्ष तिलमिलाया हुआ, आज यही बात है कि लोग, विपक्ष अब सड़कों पर निकलने के लिए बेचैन है, विपक्ष अब कभी जाति जनगणना की बात करता है,
विपक्ष कभी ये मांग करता है वो मांग करता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो समझा था उसको पूरी तरीके से आदरणीय मोदी जी ने अपने नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनाने के बाद पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और अब जनता ये खुद चाहती है कि प्रधानमंत्री बने तो सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने और उनके सामने कोई विकल्प नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में अमन चैन का माहौल देखा है, इसके पहले कोई भी सरकार बगैर दंगे के आज तक 5 साल की सरकार नहीं चला पाई, ये जो है कीर्तिमान स्थापित किया। और अभी कुछ ही दिनों पहले डीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजीपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई भी सांप्रदायिक दंगा इस तरीके से नहीं हुआ जो 2012 से 2017 में लगातार होता रहा और उसके पूर्व की सरकारों में जो गैर भाजपाई सरकार थी उसमें होता रहा। तो अब ये चीज़ें जो है विपक्ष को पूरी तरीके से समझ में आ गई है कि जिस पर वो राजनीति करते थे, जो राजनीतिक रोटियां सेका करते थे, जिससे उनका जो शासन चलता था, वो सारी चीजें अब जो है खसक कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चली। दो सवाल, आपने महत्वपूर्ण कहा, यहाँ पर इतने एपिसोड उसके आ चुके हैं मन की बात के, तमाम कार्यक्रम हुए हैं, पर चुनाव 24 चुनाव होने वाला है, एक साल से भी कम समय बचा है, उसके पहले अचानक मन की बात उर्दू के साथ मुसलमानों के बीच में पहुंचाने की बात अचानक कैसे? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, आप विपक्ष के लिए बोलते हैं कि विपक्ष ने इस वर्ग को गुलाम बना के रखा था, गुलाम क्या होता है? गुलाम वही होता है जिसको डराया जाता है, जिसको बंधक मजदूर जिसको कहा जाता है कि बंधक मतदाता, एक तरीके आपने सुना होगा बंधक मजदूर, तो इसी तरीके से बंधक मतदाता डरा के ही वोट लेती रही है। अच्छा। ये विपक्षी सरकारें डरा कर ही वोट लेती रही हैं। अच्छा। कि ये हो जाएगा भाजपा आ जाएगी, ये हो जाएगा, एक हवा बनाकर चलता था, लेकिन वो बिल्कुल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, केंद्र में भी ये साबित हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भी ये साबित हो चुका है। और मन की बात अगर की जा रही है तो इसमें इतना हो हल्ला करने की क्या बात है? पहले क्यों नहीं? नहीं, नहीं, पहले भाई आज से शुरू हो गई, आज से इसको माना जाएगा। अच्छा, और अभी हर चीज को 24 के चुनाव से जोड़ा क्यों जाए? 24 के चुनाव से 24 के चुनाव तो अखिलेश यादव जो चल रहे हैं, जिन्होंने पहले ही अपनी हार मान ली है और केवल उत्तर प्रदेश में 50 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम उसको अभी देख ही नहीं रहे ना, हर बात को अगर 24 के चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा तो ये बात गलत है। हम देख रहे हैं कि जनता का विकास किस तरीके से हो रहा है, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माहौल किस तरीके से बनाया जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश का माहौल अगर साफ सुथरा ना होता, अमन पसंद ना होता, गौरव जी एक बात सुनिए, तो आज 33 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी व्यापारी उत्तर प्रदेश में नहीं आता, ये इस बात का सबूत है कि जो पहले व्यापारी पलायित हो जाते थे। ये बताइए, आपके अगर 24 चुनाव को आप नहीं देख रहे तो आपके नेता क्यों बयान देते हैं कि 80 सीट जीतने वाले हैं, इस बार हैट्रिक मारने वाले हैं, अगर 24 चुनाव को नहीं देख रहे हैं? अरे ये तो देखिए, ये हमारा लक्ष्य है, हम लक्ष्य की बात करते हैं ना, लेकिन आप जो हर चीज को 24 के चुनाव से जोड़कर देखते हैं तो वो हमारा कतई अंदेशा नहीं होता। अच्छा, अच्छा। हम चुनाव मोड में, भारतीय जनता पार्टी को तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है, हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, तो क्यों ना हो, देश की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हर दूसरे महीने कहीं ना कहीं प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव रहता है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सभी को प्रणाम करता हूँ और सभी को दुर्गा पूजा की और उसके साथ अब जो रमजान का एक वो आ रहा है उसके लिए सभी को बधाई दूंगा, पूरे देश को दूंगा। लेकिन अब मेरे भी कुछ बिल्कुल विपक्ष में तो कुछ ना कुछ तो सवाल उठेंगे, कुछ ना कुछ उठाएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत मैं सजेशन देना चाहता हूँ, उन बातों को भी जरा उर्दू में प्रकाशित, नहीं उर्दू में प्रकाशित करवा दीजिएगा, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ। सत्ता पक्ष तो बोल रहा था अखिलेश कुछ बचा नहीं है, वो सारस की बात पे ही बोल रहा है। सत्ता पक्ष का देखिए, जो सत्ता में होता है अहंकारी होता है, आपको पता ही है, अहंकारी हो गए लोग। हमारी सत्ता जब थी तो विपक्ष में तो सिलेंडर लेके छाती पे रुदन प्रलाप करते थे, भूल गए होंगे आप, वो मंत्री नेता सुनाई भी नहीं देते। भाई पूर्ववर्ती सरकार हमारी थी उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है योगी जी का दूसरा कार्यकाल है, उनके पहले कार्यकाल के पहले हम ही तो थे जब संसद में वो रोए थे, याद होगा आपको। तो रुदन प्रलाप तो चलता रहता है भाजपा का, उसके लिए उतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी मुद्दे की बात, जो आज विषय है, मैं चाहता हूँ कि जो आपने एक विषय रखा है कि उर्दू में मन की बात, कुछ दिल की बात भी जनता की उसमें जोड़ दी जाए तो मुझे लगता है मन की बात सार्थक हो जाएगी। अच्छा भाई, उर्दू में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भी प्रकाशित करके उसका अवलोकन करवा दीजिएगा कि क्यों उसको बैन किया गया, उसमें क्या था ऐसा जिसकी वजह से सरकार को बैन करना पड़ा। क्या बात, नमाजवादी शब्द से संबोधित करने वाले जो इनके प्रवक्ता है, आज एक डिबेट में था नमाजवादी शब्द, इस तरह के शब्दों का आशय क्या है उसको भी जरा स्पष्ट कर दीजिएगा उर्दू में,
मन की बात नहीं, दिल की बात में, दिल की बात मैं बता रहा हूँ, उसको शीर्षक दे दीजिएगा बाद में मन की बात। मुस्लिम विरोधी बयानों का जो उर्दू अनुवाद है वो करवा दीजिएगा, हम भी जाने कि भाजपा कितनी संजीदा है कि अपने, जैसे अभी शमशी भाई ने बैठ के बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, विपक्ष को कोस भी दिया, चलिए ठीक है, मैं कोस नहीं रहा, नहीं मैं दर्द हो रहा क्या आपको भाई, दर्द नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, सवाल पूछना थोड़ा तो अधिकार बनता ही है, तो मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ कि चाकू में धार लगाना भाई, मुस्लिम समुदाय का आर्थिक बहिष्कार करवाना, वर्मा जी सांसद इन्हीं के हैं, भूले तो होंगे नहीं, उसके बाद मुस्लिम बच्चों का एनकाउंटर कपड़ों से चिन्हित करना, बकरे की अम्मा, ये जो बयान थे मतलब इस तरह के, इन बयानों का क्या अर्थ था और भाजपा ने उसके लिए क्या संजीदगी दिखाई, उसको भी उर्दू में अनुवादित करवा दीजिएगा। 4000 उर्दू शिक्षक भर्ती 16-17, आपको याद होगा जब सरकार आई थी 4000 उर्दू शिक्षक भर्ती आती, सरकार ने रोक दी थी ऑर्डिनेंस पास करके, वो भर्तियां क्यों रोकी गई उसको भी स्पष्ट कीजिएगा। और अगर चेतना बची हो तो भाई मदरसों का आधुनिकीकरण कर रहे थे ना, लेकिन शिक्षक नहीं होगा पढ़ाएगा कौन, तो उन 4000 बच्चों को उर्दू में ही सही नियुक्ति पत्र दे दीजिएगा, क्योंकि उसमें सभी धर्मों के लोग थे, केवल उर्दू शब्द की वजह से उन भर्तियों को जो आपने रोक दिया, क्योंकि उस भर्ती की जांच भी हो गई, उसमें कुछ ना निकला गौरव भाई, लेकिन वो 4000 उर्दू शिक्षक आज तक रोजगार ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, अब उर्दू में सबसे बड़ा ज्वलंत विषय बताइएगा जिसके लिए मैं सवाल उठाऊंगा गौरव भाई, कि सारस को आरिफ से क्यों अलग किया गया और अखिलेश जी के मिलने के बाद ही क्यों किया गया, अगर आरिफ की जगह आदित्यनाथ शब्द होता तो क्या सारस को अलग किया जाता, या पिक्चर आज क्या होती, उसको भी उर्दू में स्पष्ट करवाइएगा भाई। प्रेम के विरुद्ध, प्रेम के विरुद्ध सुन लीजिए, नैसर्गिक प्रेम के विरुद्ध क्या सारस को सुरक्षा मिल पाई, सारस तो उड़ गया, सारस को ढूंढने के लिए टीम भी लग गई, 24 घंटे नहीं बीते और सारस फिर किसी गांव के लोगों ने उसको पोषित किया। हम तो मांग कर रहे हैं प्रकृति से कम घृणा मत करो, एक मूक बधिर एक मूक जानवर जो आपको इंसानों के साथ जुड़ करके प्रेम की भाषा सिखा रहा है, भाजपा को उससे भी समस्या है तो स्पष्ट कीजिएगा कि क्यों समस्या है, प्रेम से समस्या है कि सारस से समस्या है कि आरिफ शब्द से समस्या है, क्या आरिफ की जगह आदित्य योग आदित्य हो, आप इसको आप धार्मिक अमला क्यों पहना देते हैं, मैं धार्मिक अमला, मेरी बात पूरी आने दीजिए, अमला अभी पहनवाता हूँ, अमला कौन पहनाता है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। आदित्य आरिफ क्या जरूरी है भाई, 4000 उर्दू शिक्षक भर्ती क्यों नहीं, नियुक्ति पत्र दे देना उर्दू में, अच्छा जारी करवा दीजिए, मैं तो मांग कर रहा हूँ युवाओं को रोजगार देने की बात, मन की बात करने जा रहा है तो स्वागत कर लीजिए, अभी आ रहा हूं और आ गया, समर्थन कर लीजिए भाई। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जो माल्यार्पण करवाया गया था, क्यों करवाया गया था उसको भी उर्दू में स्पष्ट कराइएगा मन की बात में, अच्छा जो बुकलेट आएगी उसमें करवाइएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस चीज को पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पीठ बना दी इसकी विवेचना के लिए, इसको भी जोड़िएगा। अब सुन लीजिए, 2021 की यूपीएसआई भर्ती पे धांधली पे, इतने बड़े भ्रष्टाचार पे जिसपे 60 से अधिक FIR में 150 अधिक लोग नामजद और 30 से अधिक सेंटर मालिक नामजद, उनके ऊपर सरकार मौन क्यों, प्रवक्ता मौन क्यों है भ्रष्टाचार पे, इसको भी उर्दू में स्पष्ट कर दीजिएगा, उसमें कुछ उर्दू अभ्यर्थी भी है। ठीक है, अब इन्होंने कहा डीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस कांड में किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यूपी पुलिस की तरफ से कि बलात्कार नहीं हुआ, और सीबीआई ने पलट दिया था पूरा जो उनका एक जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, पीसी की सारी बातों को पलट दिया था, और सीबीआई ने जब चार्जशीट फाइल की उसमें कुछ और तथ्य आए, तो भाई ऐसे डीजी और लॉ एंड ऑर्डर का छोड़ दीजिए, मतलब वो सरकार की पैरवी करना, अभी एक महाराष्ट्र में प्रकरण आया है ना, एक राज्यपाल को देखे सुप्रीम कोर्ट किस तरीके की टिप्पणियां कर रहा है, मतलब सरकार का एजेंट यहां तक कह दिया गया, तो मुझे लगता है छोड़ दीजिए इन सब बातों को मत डालिएगा, ये सब बातें, क्योंकि चलिए तो ये तो सरकारी अमले की बातें होती हैं। अब सबसे बड़ी बात आते हैं, बता दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, सॉरी मन की बात होने जा रही है उर्दू में प्रकाशित, आपने बहुत अच्छा एक, मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं भाजपा को कि आपने एक रामचरितमानस का एक ऐतिहासिक अध्याय आपने दर्ज किया कीर्तिमान के साथ, उत्तर प्रदेश में हर जिले में आप ये करवाने जा रहे हैं, उसके लिए आपने अनुदान दिया, इसके लिए आपको बधाई शुभकामनाएं। अच्छा, और मैं अपील करूंगा हाँ। भाजपा के साथ सपा के साथ विधायकों से भी हाँ। कि आप भी अपने 75 जिलों में जिस जिलों से आप आते हैं चुन करके हाँ। अपने निर्वाचित जिलों में मंगला आरती और रामचरितमानस दुर्गा पूजा की पूजाएं आप संपन्न करवाइए, क्योंकि अब इसके बाद रमजान आ रहा है और रमजान में मैं उम्मीद करूंगा कि भाजपा के विधायक हाँ। भाजपा सरकार भी अनुदान देगी हाँ। कि रोजा इफ्तार करवाया जा सके। अच्छा भाई, सर्वधर्म संभाव की सरकार है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सरकार है, हिंदुओं के मुख्यमंत्री तो है नहीं, हिंदू मुख्यमंत्री तो है नहीं हिंदुओं के, केवल अच्छा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के 27 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री है, तो मुझे लगता है कि सर्वधर्म संभाव को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह कहते हैं कि पारसियों की बात, ईस्टर के जैसे होते हैं ईसाई ईस्टर मनाते हैं भाई, इसी तरह हमारे जो पंजाबी भाई हैं उनकी गुरु नानक जयंती होती है, तो मुझे लगता है मैं निवेदन करूंगा कि इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम स्वागत करते हैं और भाजपा भी अब रमजान में रोजा इफ्तार आयोजित करे और सभी को अनुदान दे
और इस सर्वधर्म संभाव की एक गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा दें योगी आदित्यनाथ जी, और इसको उर्दू में भी प्रकाशित करवाया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार, शीर्षक दे दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार ऐतिहासिक रोजा इफ्तार आयोजित कर रही है जिसके लिए 75 जिलों को अनुदान दे रही है। भाई मेरी बहुत सीमित मांग है, तो खेलना है क्या? मैं तो सीमित मांग लो, अब जनता की बात अगर विपक्ष रख रहा है, और मैं आलोचना तो कर नहीं रहा हूँ, मैंने तो कुछ बातें रखी हैं। अच्छा, अगर बीजेपी विधायक नहीं कराएंगे, आप कराएंगे नहीं कराएंगे? हम तो कह रहे हैं अपने विधायकों से, आप ही के चैनल से फिर अपील कर रहा हूँ। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे नहीं कहेंगे? मैंने आपके चैनल से अपील, अरे मेरी बात तो आ जाए, आप तो अपने शब्द डालने लगे। मैंने कहा मैंने तो अपील कर दी, करेंगे नहीं कर दी। अच्छा, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, बोल दीजिए आदित्य योगी आदित्यनाथ जी से, यहीं से अपील कर दें। मैंने तो आदरणीय अखिलेश जी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि हमारे सपा के विधायकों को भी निर्देशित करें कि 75 जिलों में जिस जिलों से वो चुनकर आते हैं, वो अपने जिलों में मंगला आरती, दुर्गा पूजा, रामचरितमानस के पाठ संपन्न करवाएं। अच्छा। और उसके लिए अनुदान सरकार दे ही रही है, डीएम को एक निवेदन दे। लेकिन नहीं नहीं, अब बात आ जाए, इनसे भी एक अपील करवा दीजिए ना योगी आदित्यनाथ जी को कि रमजान में रोजा इफ्तार का वो करवाए, बता दीजिए। ये अपील इसी सरकार नजर आ रही है, 12-17 सरकार है तब अपील नजर नहीं आई। हम तो करवाते थे आलोचना, यही लोग करते थे। अच्छा अच्छा, हमने तो मंदिर भी बनवाने का, सुन लीजिए ना, पंडितों को पुजारियों को सबसे पहले तनख्वाह देने का काम किसने शुरू किया था जी? संस्कृत विद्यालयों को अनुदान देने का काम किसने शुरू किया? नवरात्र का प्रारंभ कराते भाई, देखिए अब ये परंपरा शुरू ही नहीं कहा ना, आज से शुरू हुई आज से माना जाएगा, तो आज से शुरू हुई तो आज से माना जाएगा। कराते तो नवरात्र का प्रारंभ करा सकते थे। बिल्कुल, नवरात्रि हमारे यहाँ बाकायदा अखिलेश जी के घर में नवरात्रि की पूजा होती है, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने ये कहा, अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप नहीं, आप पलट रहे हैं बात यहाँ पे, आज आप पलट रहे गौरव भाई। मैंने कहा, मैंने तो अपील कर दी, याद दिला रहा हूँ, मैंने कहा अपील कर दी, थोड़ा याद इनको भी दिला दीजिए सत्ता को। मैंने अपील कर दी अखिलेश जी से भी, विधायकों से भी, ये बैठे इनसे बोलिए योगी आदित्यनाथ जी से और विधायकों से अपील करवा दीजिए। अरे चल क्यों दिए, अपील करवाइए ना, मैंने तो अपील कर दी, करवाइए कि रोजा इफ्तार पे भी अनुदान देगी सरकार और हर जिले में रोजा इफ्तार की पार्टी आयोजन की जाएगी। बताइए भाई, बता दीजिए, करवा दीजिए भाई। देखिए रोजा इफ्तार एक ऐसा पवित्र पर्व है कि जिसके लिए हम कोई अनुदान की उम्मीद नहीं रखते। अनुदान की उम्मीद क्या, हिंदू पर्व तो हिंदू चाहता है कि अनुदान लीजिए पहले बात। अरे आप तो हिंदू का बात कर रहे हैं, हमको अगर सरकार देगी तो उससे इनकार भी नहीं, और हमारी कोई मांग भी नहीं कि हम सरकार से अनुदान के भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे के लोग हैं, लगातार कार्यक्रम करते हैं। अमर भाई ये बताइए, उर्दू में मन की बात अनुवाद होकर अब बांटे जा रही है, तोहफा दिया जाएगा रमजान में, और मुस्लिम वर्ग को भी अपने साथ जोड़ने की कवायद बीजेपी ने शुरू कर दी है, कैसे देखते हैं? देखिए मन की बात लगातार वर्षों से होती जा रही है, और आज उत्तर प्रदेश में जैसा मुझे मालूम है कोई बासी तली शायद है ये जी, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने ये किताब छापने का एक जिम्मा लिया है जी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कुछ लोग पार्टी के अंदर हर दल में कमोबेश मिल जाते हैं, जो इस तरह को करके पार्टी के सामने अपना चेहरा प्रदर्शित करना चाहते हैं। अच्छा। अपने ही लाभ को देखते हुए। अच्छा। अगर वो सही मायने में अगर ये किताब छपवा रहे हैं, आपने आप ही ने बताया शुरू में जी। कि 15 लोकसभा के अंदर ये किताबें बांटी जाएंगी। हाँ। तो इस 14 या 15 जो जी, भी जी, है जी, 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 जी। तो इससे आपको राजनीतिक मंशा का पता चल गया, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है जी। इससे पता चल गया कि राजनीतिक मंशा से ये काम हो रहा है जी। मैं तो निवेदन करूंगा बाफी तली से कि माननीय योगी जी के पास जाएं, और अच्छा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाएं, और 1 लाख नहीं इसकी 1 करोड़ प्रतियां छपवाएं और पूरे देश में बटवाएं। अच्छा, ये पूरे 14 लोकसभा में बटवा के बांटी जाएंगी। अमर भाई मैं आपको बता रहा हूँ जी, जी। ये मन की बात करने वाले लोग, मन की बात होता क्या है? आप अपने मन की बात गौरव की बात कर रहे हैं, अब गौरव आपकी आवाज बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है अमर भाई जी। उसे मानना नहीं मानना वो मेरे ऊपर है जी, मैं मानता हूँ या नहीं मानता हूँ जी। देश की जनता तो उन वादों की बात पे आना चाहती है जी। जब 2014 से वादों की एक लंबी लिस्ट जारी की गई, अच्छा 2 करोड़ रोजगार की बात की गई जी, किसानों का धन दूना करने की बात की गई जी, 100 स्मार्ट सिटी की बात करी गई जी, जितने सैकड़ों लोगों के जो काले धन विदेशों के स्विस बैंक में पड़े हुए उनको लाने की बात की गई जी,
ये इन सारे जो वादों की बात। अमित जी आपका वहाँ शोर बहुत आ रहा है, मुझे आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है, जो भी शोर है उसको ख़त्म कराइए जी। शायद अमित भाई जी बोलिए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोलिए बोलिए अमित भाई जी बोलिए बोलिए। मुझे डिस्टर्बेंस वहाँ से भी बार बार मुझे होल्ड का इस पे मैसेज आ रहा है जी, बोलिए बोलिए बोलिए। तो आपकी तरफ से भी कुछ दिक्कत है? बोलिए। तो मुझे मेरा कहना यही है कि उन वादों पे बात हो जी, जिन वादों के लेके 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। अच्छा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि पूरे देश के अंदर देश के हर राज्य से आए सांसद जो चुन के आए हैं जी, जो सदन के मेंबर हैं जी, चाहे वो सभा हो या लोकसभा हो जी, सारे के सारे नेता ये मांग कर रहे हैं कि आप जेपीसी की जो डिमांड करी जा रही है अडानी के मुद्दे पे वो लेके आइए। अच्छा। मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह के ये हल्के टाइप के नेता ये इस तरह के छोटे छोटे चीज को लेके और चीजों को बरगलाने के नेता हल्के भी होते हैं, काम करते रहे, बिल्कुल हल्के हैं। अच्छा। अब जो 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 नेता ये बात करता है कि हम 14 लोकसभा में बांटेंगे तो हम 14 मुख्य रूप से कहा उन्होंने, 14 में नहीं कहा, 14 मुख्य रूप से कहा जी। और चुनाव की आप टाइमिंग देखिए जी, मैंने तो कहा ना पूरे देश में बांटिए, मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका जी, लेकिन एक किताब और भी छपवाई है जिनमें प्रधानमंत्री मोदी जी के तमाम वादे हैं जी, जिन पर आज तक अमल नहीं हुआ। अच्छा। देश की जनता गुमराह हो रही है। अच्छा। इस तानाशाही सरकार के पास अब कुछ नहीं है, वो तमाम हथगंडे चुनाव आते आते तमाम हथगंडे पड़ेगी। अच्छा। और किसी भी तरह से सत्ता में दोबारा वापसी हो पाए। अच्छा। आज भी देखा आपने राहुल गांधी जी के ऊपर उनके उनको सजा सुना दी गई जी, खैर हमें अभी न्याय की उम्मीद है, हम ऊपरी अदालत में जाएंगे और हमें न्याय मिलेगा। तो सजा बीजेपी सुनाई है क्या? सजा बीजेपी सुनाई है क्या? देखिए एक बात स्पष्ट कर दूं जी, जिस तरह से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। अच्छा। उन चार जजों ने, सीनियर जजों ने सुप्रीम कोर्ट के जब बाहर आके कहा जी कि लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा। तो अमित गुरु का कहना कुछ बाकी नहीं है, नहीं रह जाता है। अच्छा। और इसके बाद तमाम चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद कोई राज्यसभा बनता है और कोई राज्यपाल बनता है, किसी बड़े ओहदे पे देश के, अरे योग्य तो बन रहा है, क्या दिक्कत है भैया? अरे बिल्कुल, कैसे योग्य है और बन रहा है? अच्छा। भैया चुनाव आयोग के को लेके देखिए अभी आप, अरे आज आप कुर्सी छोड़ तो उनके खिलाफ भी प्रदर्शन कर दीजिए, नोटिस जारी कराइए, आंदोलन करिए। सवाल ये है जो आपने जुडिशरी के कुछ लोगों पे जो सवाल उठाया जी, मैं उससे बिल्कुल मैं इत्तफाक रखते हुए कहता हूँ कि जुडिशरी में कमोबेश कुछ ऐसे जजों की एंट्री जरूर हो गई है जो न्याय प्रणाली के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अच्छा। और अभी तमाम ऐसे ईमानदार जज, अच्छा, जो आपको जमानत दे रहे थे वो न्याय कर रहे नहीं कर रहे हैं? जो जमानत दी है उसने न्याय किया कि नहीं किया है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो उनके भी, जिन्होंने पवन खेड़ा को जमानत दी उन्होंने न्याय किया कि नहीं किया ये बता दीजिए। सूरत के जिस जज ने निर्णय दिया है जी, हम उस पे भी बहुत सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं जी, हम ऊपरी कोर्ट में जा रहे हैं जी, भाई उनका सम्मान है, ठीक है आपने मुझे ये सजा दे दी, अब हम ऊपर जा रहे हैं जी, ऊपर वाला प्रूफ कर देगा कि उन्होंने कितना इनजस्टिस किया और नहीं किया है, ठीक है, आने वाला समय और वक्त बताएगा जी। जरूरी है कि इस समय मन की बात के किताब की जो तैयारी चल रही है बीजेपी के अंदर जी, वो लोग वादों की बात करें जी, उन वादों की बात करें जिन वादों को लेकर आज तक, मैं तो वही मुद्दा लेके बैठा, आप भी वहां लेके चले गए राहुल गांधी वाले मामले पर, ठीक है अमित भाई, मैं आपने न्यायपालिका पे भी प्रश्न उठाया यहाँ पर, अगर न्यायपालिका पे प्रश्न उठा रहे हैं तो आपको स्पष्ट करना होगा जो जज ने जमानत दी है क्या वो भी न्याय संगत नहीं है जी। देखिए निचली अदालत के फैसले को जब ऊपरी अदालत के फैसले के जज फैसले पलट देते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हमने उनके जुडिशरी के खिलाफ हम हो गए बिल्कुल। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं से ये बात तो तय हो जाती है कि अगले ने सही से न्याय नहीं दिया था, हम ऊपरी अदालत जमानत देने वाला कैसा है? जमानत देने वाला कैसा है? देखिए हम पर्टिकुलर एक एक आदमी को ले, मैंने अभी आपसे क्या कहा, चार जज बाहर निकले और बोले लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा। मैंने अभी तमाम सीनियर जज और तमाम मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर होके गए हैं मलाईदार पदों पे तुरंत बैठ गए। अच्छा। भाई ये किस तरह का तालमेल है? अच्छा। आज मोदी जी और अडानी तो जी का पूछा जा रहा है उसी तरह से रिश्ता इन लोगों के साथ कैसे बन गया, इन जजों के साथ सरकार का, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है हो गया। देखिए कुल मिला जुला के राजनीतिक चश्मे से इसे देखिए,
और राजनीतिक चश्मे के साथ जो ये वासित या कौन है वली जो कुंवर है बीजेपी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वासित अली जी ये अपना थोड़ा सा टेम्पो हाई करना चाहते हैं, अपने ही दल के बड़े नेताओं के नजर में आना चाहते हैं, तो वो प्रतियों को लेके चल रहे हैं। अच्छी बात है। मेरी गुजारिश है पूरे देश में प्रतियां बंटवाएं। चलिए ठीक है, पूरे देश में प्रतियां बंटवाएं, मेरी गुजारिश है। ठीक है प्रवक्ता, आप सही क्या कहने अभी बड़ा मुस्कुरा रहे थे आप, शमसी भाई की बात पर ऐसे क्या कह दिया? देखिए करे करे जो बात तो हर लफ्ज में खुशबू आए, करे जो बात तो हर लफ्ज में खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। अच्छा, तो उर्दू जबान सबकी जबान है, सबको बनाने की जबान है, भाईचारे की जबान है, और इसी उर्दू जबान से हमेशा भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशानी रही है। अच्छा, और इसी उर्दू जबान को हमेशा इन्होंने टारगेट किया है। अच्छा, टारगेट मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी जो उर्दू में मन की बात कहेंगे, टोपी लगा करेंगे कि टोपी उतार करेंगे कि बिना टोपी करेंगे? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है लगता आपको? नहीं, मन की बात टोपी के साथ की जाएगी, बिना टोपी की जाएगी? अरे मन की बात को यहाँ पर अनुवाद करके भेजा जाएगा भाई, टोपी लगा के उस तरह नहीं की जाएगी। वो कहेंगे तो क्या कहेंगे, टोपी जब उर्दू में अनुवाद करा रहे हैं टोपी भी लगा लें, ऐसा क्या परेशानी वाली बात है? टोपी से क्या परेशानी इतनी? बिल्कुल बिल्कुल, पूछ लेंगे अभी शमसी भाई बताएंगे। टोपी से क्या एलर्जी भाई जी? बोल लीजिए, जब उर्दू में बात हो रही टोपी भी लगा ली जाए, ऐसा क्या बात है? ठीक है ठीक है, और बोलिए। दूसरी बात, शमसी साहब की उर्दू बड़ी अच्छी है, मैं इनसे कहूँ उर्दू में दो अल्फाज बोले ये बोल नहीं पाएंगे। कैसी बात बोल रहे हैं? पूछिए, इसे पूछिए उर्दू में, तैयार है बताइए, बोलिए क्या पूछ रहे हैं? शमसी साहब दो शब्द बोलने उर्दू में, दो शब्द क्या बोले बताएं आप? जो हिंदी में बोलिए मोदी हटाओ देश बचाओ, कैसे बोलेंगे उर्दू में? मोदी हटाओ देश बचाओ, कैसे बोलेंगे उर्दू में? केजरीवाल हटाओ देश बचाओ, ये उर्दू है, ये उर्दू ट्रांसलेट है, केजरीवाल हटाओ देश बचाओ, क्योंकि जो शराब में देश को डुबोना चाहते हैं उससे तो देश बच नहीं पाएगा। जो शराब में देश को डुबोना चाहते हैं, ज्यादा बढ़ गई है, देश में लाना चाहते हैं, इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अपराध इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, सारे अपराधी छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और वॉशिंग मशीन से साफ हो क्लफ होकर लगा दिया आपने। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो जनता के मुद्दे उसकी बात नहीं कर पा रही है। अच्छा, उर्दू में ट्रांसलेट करेगी, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेगी? अरे लोगों को समझ में आती है, इसी उर्दू से आपको परेशानी थी, इसी उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं आप? अरे कम से कम जनता की तो बात कर लिए, स्वागत करना चाहिए, महंगाई की बात कर लीजिए, सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया उसकी बात कर लीजिए, बच्चों की फीस महंगी हो गई उसकी बात कर लीजिए, लोग तेल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, पानी में सब्जी बना खा रहे, लोग नमक से रोटी खा रहे, लोग इलाज कराने में अपने बर्तन बेचे दे रहे हैं, घर के बर्तन बेचे जा रहे हैं, दिल्ली का हालात मत बताइए, पैसा नहीं है कि दिल्ली और पंजाब की यहाँ पर बात नहीं हो रही, प्रदेश की बात हो रही है, लोगों ने आप ये सारी बातें दिल्ली की बता रहे हैं, अपने परेशान है, मजदूरी नहीं मिली लोगों को, लोगों को ऐसे हालात नहीं मिल रहा, पानी का लेवल पंजाब में जो कुछ आप बता रहे हैं सारी बातों को हम सच मान रहे हैं, आज बीमारी हो रही है पीजीआई में, एक महीने में 100 लोगों भाई उसकी बात कर लीजिए, मोहम्मद तकी सुन लीजिए, समझी भाई बोले आप दिल्ली की हालत मत बताइए, ये यहाँ पर आप दिल्ली की हालत मत बताइए, देश की हालत है, आप वरना ये चुपचाप नहीं बैठेंगे। अच्छा, इनको देश से मतलब नहीं है, ये दिल्ली में लगे हुए हैं, इनकी जान दिल्ली में अटकी हुई है। अच्छा, दिल्ली जो अरविंद केजरीवाल काम कर रहा है, पंजाब में काम कर रहा है, ऐसा हो जाए और दिल्ली का सीएम प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, चाहे शमसी आजाद हो, चाहे कोई कैद हो, बहुत अच्छी बात, आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के प्रधानमंत्री बनेंगे, देश की जनता समाधान करेंगे। जो पिछले 7 साल से 4000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति रुकी हुई है, इसके अंदर लोगों की डेथ भी हो गई, सुसाइड कर ली, उसका क्या हो रहा है? कुछ नया लेके आइए, शिक्षकों को भर्ती क्यों नहीं हो रही है? अखिलेश यादव के जमाने में के टाइम में नियुक्ति निकली थी, ज्वाइनिंग होने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार फैसला दे दिया है। चले ठीक है, हो गया बात आ गई, उर्दू शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हो गया मदरसों में जो ठीक है, ठीक है, सही मोहम्मद तकी, हो गया बात आ गई, बंद कर दिए उन्होंने, अब अमर साबरी बोलेंगे, अमर साबरी बोलेंगे, ठीक है अमर भाई क्या रहा स्टेशन पे, जो हो गया आपकी बात, हो गया तकी भाई, हो गया अपनी परेशानी होती है, फिर आप आवाज नहीं की जा सकती, ठीक है हो गया तकी भाई, आप नोट स्टॉप मत बोला करिए, प्लीज डिबेट खराब मत करिए।
अमृत साहब बात पूरी करिए, बोलिए। बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने इस चर्चा में शामिल किया। पहले तो मैं पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूँ नवरात्रि की और रमजान मुबारक की। बिल्कुल धन्यवाद। अब बात मुद्दे की है कि मन की बात, तो मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से ही है। गौरव जी पूछिए तो पहले, क्या पूछना चाह रहे हैं मीर भाई से? बताएंगे, खुद बता देंगे, ये बता देंगे भाई, आप पूछिए, वो इतना ही पूछना है, बता देंगे, खुद बता देंगे। चाहते हैं मोदी जी मन की बात उर्दू में करें, ये तो हाल है, बताइए, और चाहे फारसी में करें, बताएगी मीडिया, उतना पूछे वो नहीं पूछेगा, वो मीडिया नहीं बता रहा है, और वो पूछ ये वो मीडिया है ही नहीं भाई। अरे तो भैया इतनी देर से हम सुन रहे हैं सब, तो उन्हें सब पता ही है। बहरहाल हम इस्तकबाल करते हैं उर्दू में मन की बात का, और ये भी हम कहना चाहेंगे कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी उर्दू में बात करें या फारसी में मन की बात करें, लेकिन काम की बात कब करेंगे, ये बड़ा सवाल है। काम की बात नहीं, आज 9 साल हो गए गौरव जी, तमाम वादे किए, मैं तो नहीं गिनाऊंगा, तमाम लोग गिना भी चुके हैं। गौरव जी, किसी मुद्दे पर, किसी वादे पर कोई काम अब तक नहीं हुआ, बल्कि सैकड़ों की तादाद में फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। अच्छा, और उर्दू से मोहब्बत, मुस्लिमों से नफरत, ये कुछ बात हजम नहीं होती गौरव जी। देखिए आप बता दें, ये पहली सरकार है केंद्र की, हाँ। कि अब तक केंद्र में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और अफसोसनाक बात नहीं हो सकती। अच्छा। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा, जहाँ आधा आधा दर्जन कैबिनेट मंत्री रहते थे, आज एक कैबिनेट मंत्री नहीं है, राज्य मंत्री तक सीमित करके छोड़ दिया गया है। अच्छा। तो कैसे गौरव जी मान लिया जाएगी, इनकी मंशा क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, क्या इनका मकसद है? और अभी हमारे काबिल प्रवक्ता बड़े भाई हमारे शमसी आजाद साहब बात कर रहे थे गुलाम और बंधक की, कि मुसलमानों को गुलाम और बंधक बनाकर पूर्ववर्ती सरकारों ने रखा। तो मेरा एक सवाल है जी, कि आप पिछले 9 वर्षों से 40 करोड़ जनता मुस्लिमों से 90 करोड़ हिंदुओं को गुमराह नहीं करा जा रहा है, डरा डरा के नहीं रखा जा रहा है? अच्छा। जो डराने की बात कही गई थी कि पूर्ववर्ती सरकारों ने मुसलमानों को डराया, मैं इसमें बहुत डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पिछले 9 साल से क्या हो रहा है गौरव जी? के आप एक तरफ तो कहते हैं 20% आबादी है, तो 20% से 80% को डरा डरा के 9 साल से रखा जा रहा है। अच्छा। ये कितनी अफसोसनाक बात है कि 40 करोड़ लोगों से 90 करोड़ को डराया जा रहा है, तो डर और भय किसमें पैदा करा जा रहा है और क्यों पैदा करा जा रहा है, बड़ा सवाल ये है गौरव जी। अच्छा। अहम बात यह आ रही कि उर्दू में बात करेंगे, तो उर्दू बहुत सी बातें हो चुकी है, उर्दू टीचर की हुई, मदरसा बोर्ड की हुई। गौरव जी देखिए, ये सियासी हथकंडा है, 2024 का चुनाव सामने है और तमाम लोग इनसे नाराज है, सरकार से, तो वो वोट बैलेंस करने के लिए मुसलमानों को लाली पाव दिए जा रहे हैं, गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में गुमराह होगा। अच्छा। क्योंकि इनका रवैया 9 साल से, उत्तर प्रदेश का रवैया 6 साल से देखा जा रहा है गौरव जी। इसी मैं पूरे प्रदेश और पूरे देश की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लखनऊ की छोटी सी बात करता हूँ गौरव जी। अभी पिछले महीने की बात है कि एक लड़का, उसका पत्रकार है, पोर्टल पत्रकार है, और उस बेचारा वीडियो बना रहा था, पुलिस को बड़ी नागवार ये बात लगी, और बात वहां पर उसको रंग दिया जाता है हिंदू मुस्लिम का, जबकि उस चीज को लड़के ने अपने मोबाइल में बिल्कुल पूरी तरह कैद कर लिया था जी। और एक सिपाही आता है, उसके गले भैया डालता है कि तुम्हें ये लोग मार डालेंगे, तुम यहाँ से चलो। अच्छा। और उसको लेकर के निकल जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद ले जा करके, बहुत अफसोसनाक बात है गौरव जी, कि उसको ACP जैसा आदमी कोई जांच नहीं करता है, और उठा के मालूम कितनी धाराओं में जेल भेजता है, 147, 148, 323, 504, 506, 307 और SC ST। अब आप समझिए कि उस पे हरिजन एक्ट भी लगा दिया गया जी। कितनी शर्मनाक बात है गौरव जी, एक पोर्टल के पत्रकार को जिसके ऊपर थप्पड़ मारने तक का मुकदमा नहीं है, मात्र उसकी 25-26 साल की उम्र है। अच्छा। और उसको इतनी बड़ी बड़ी धाराओं में अमीनाबाद पुलिस ने जेल भेज दिया, जबकि उसको पहले पहाड़ेगंज पुलिस पकड़ती है, ले जाती है बदीरगंज, और उसके बाद जब ये मालूम होता है केस अमीनाबाद का, तो अमीनाबाद ट्रांसफर करके उसको इतनी बड़ी धाराओं में मुकदमे लगा के जेल भेज दिया था, काफी दिन वो जेल रहता, उसके बाद अब जाके उसका। तो ये गौरव जी जो एक कानून व्यवस्था का मुद्दा है, इस पे डिबेटें होना चाहिए। और गौरव जी मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आप बहुत सारे मुद्दे जनहित में उठाते भी हैं और डिबेट कराते हैं, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है, जो लखनऊ की कानून व्यवस्था जब से कमिश्नरी लागू हुई है गौरव जी, पुलिस बेलगाम हो चुकी है। मैं 12 आपके चैनल पे, अन्य चैनलों पे भी कह चुका हूँ कि पुलिस अपराधी बना रही है, अपराधी बना नहीं रही बल्कि खुद पुलिस अपराध कर रही है। और गौरव जी उससे बड़ा मुद्दा आज का सुन लीजिए, नया मुद्दा कि डिबेट होना चाहिए थी किसानों के ऊपर। किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया, जो ये 3-4 दिन से मौसम खराब है, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं,
और किसान सर पे हाथ रख के रो रहा। गौरव जी, इस पर मेरा मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर जरूर डिबेट कराइए और सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बात के ऊपर कि किसानों की हालत बहुत खराब है। सरकार मुआवजा दे रही है, ठीक है अमन भाई, पर जिस तरह से यहाँ पर शुरुआत भी कर रहे हैं तो इसका इस्तकबाल होना चाहिए। इसका मैंने इस्तकबाल किया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ईमानदारी से कि काम तो करें। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर ना था ना है और ना रहेगा। हम भाजपा के साथ आ सकते हैं, लेकिन भाजपा पहले अपना मंशा साफ करे। उर्दू में खाली लाली पॉल आजमगढ़ में रामपुर में जीत के आए हैं जी, तो मुस्लिम वर्ग का वोट नहीं मिला क्या? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले उसके बावजूद भी तो इंसाफ नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आप उर्दू में एक तरफ बुकलेट छपाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को अपराधी बना रहे हैं, और तीसरी तरफ केंद्र की सरकार आज इतना टाइम हो गया, 4 साल हो गए, आज तक कैबिनेट मंत्री नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है, आप बताइए। अच्छा, ठीक है ठीक है, समझिए यार, बोलिए भाई। अभी तक अभी लेता हूँ जी जी, बताएं जी। आमिर साबरी भाई ने तमाम बातें कही और तमाम लोग आपकी बात सुनी, क्या जवाब है इन सबकी बातों? जवाब वही हमारा जो हम कर रहे हैं, हमको वो करना है, क्योंकि हमको लग रहा है कि ऐसा करने से जनता के हितों के भला होगा। जनता जिससे खुश होती है हम वही काम करते हैं, क्योंकि हम लगातार एक ऐसी पार्टी हैं जो प्रत्येक सप्ताह जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम करते हैं और जनता के बीच में लगातार बने रहते हैं। आमिर भाई इस्लामी स्कॉलर हैं, तो इनको हो सकता हो कि ये समाजवादी पार्टी विचारधारा से जुटे हुए हों, और समाजवादी पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा से रहती है। मुस्लिम मंत्री नहीं है शमसी भाई, शमसी भाई सरकार के कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री नहीं है, सरकार ने इसका जवाब दे दीजिए। अरे जब था तब भी आपने सरकार कहा थे, अरे पिछली थे पूरा आपने स्वागत किया देश के अंदर, सुन अब आपने स्वागत किया। मैंने हमेशा एक बयान दिखा दीजिए अपना, एक बयान दिखा दीजिए अपना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर एक बयान आप बताइए। 4 साल से दिया हो पूरे कैबिनेट मंत्री नहीं, आप इसके बारे में क्या कर रहे हो? दो मिनिस्टर थे, हमने अभी स्वागत किया है, आपने ना सुना हो आप ईमानदारी की बात करिए। शुरुआत का मतलब होता है कि आगे आगाज अच्छा हुआ है तो अंजाम भी अच्छा होगा। कौन सी मुसलमानों से दुश्मनी है आप बता दे भाई, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है आप गिने चुने एक दो अपवाद की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने क्यों कहा कि मुस्लिम विरोधी बयान ना दिया दे भाजपा नेता बताइए, ये तो अच्छा, ये तो अच्छा हुआ ना। अगर कोई नेता प्रधानमंत्री ने खोल कर विरोध तो किया, यूपी में मुस्लिम विरोधी बयान देने वाले नेताओं पे कार्रवाई क्या हुई? कहा तो प्रधानमंत्री ने, नंद किशोर गुज्जर ने कहा, तो मुस्लिम बच्चों का एनकाउंटर, आपके साथ आर्थिक बहिष्कार, आपके एक नेता बोलते हैं चाकू की धार पे, एक बोलते हैं पसमानदा और बोरा समाज को उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो विपक्ष के सीने पर सांप लौट रहा है, क्योंकि उसी पर राजनीति करते हैं। आज वो वोट बैंक खटक कर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया है। पांचवी बार आज चुनाव हारने वाले अखिलेश यादव, आज उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। अडानी की बात, जबरदस्ती बंद की बात, 5 करोड़ का अतीत कनेक्शन नंद गोपाल नंदी का, सब मौन, कोई जांच नहीं, कोई इस्तीफा नहीं, अखिलेश यादव से कई आवाज उठाए, क्यों नहीं उठा रहे? उतरना चाहिए उतरना चाहिए जनता का समर्थन लेना चाहिए। सब भ्रष्ट है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है बोलने की। देखिए कुछ एनकाउंटर हुए सवाल के घेरे में और मुख्य आरोपी बाहर, अपराधियों को अगर सजा दी जा रही है तो इनको बेचैनी हो रही है, 5 करोड़ पार्टी का कहीं ना कहीं कनेक्शन अपराधियों से। अच्छा, 12 से लेकर 17 तक में हमेशा मजबूत किया है समाजवादी पार्टी ने, एक काम बहुत मजबूती से किया है कि अपराधियों को मजबूत करने का काम किया है। सरकार विदेशियों को इन्वेस्टमेंट सिखा रही थी, ये तो सरकार है नहीं, कानपुर में डीएम डांस कर रही थी और ये सरकार जो है इन्वेस्टमेंट सिखा रही थी विदेशियों को। अच्छा, ये सरकार का तरीका है, ठीक है, 5 करोड़ इनके नेता ले और सरकार विपक्ष के ही तो नेता है, एनकाउंटर हो रहा है कहीं ना कहीं विपक्ष का नंदी विपक्ष है, आरोप है, सबूत होना चाहिए। हो गया अमर गुरु, अमर भाई अपनी बात पूरी, तक मैं लेता हूँ अमर भाई अपनी बात पूरी करिए।
अमर गुरु बोलिए। गौरव भाई जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था। जी जी बोलिए। मुस्लिम तुष्टिकरण जी, ये एक ऐसा शब्द है जी जो दशकों तक और आज तक जी कांग्रेस का पीछा करती आ रही है जी। हालांकि उस शब्द से कांग्रेस को रत्ती भर ऐतराज नहीं है। अच्छा, कांग्रेस मैं आपको बताऊं जी, जितने लोग और जितने दर्शक टीवी चैनल पे बैठ के इस डिबेट को देख रहे होंगे जी, जी, या इन तरह के मुद्दों पे या इन तरह के पहल पे अगर बात सुन रहे होंगे जी, तो उन्हें तय करना होगा जी, कि मुस्लिम तुष्टिकरण के साथ या विरोध में जी, जिस तरह से वो राजनीति के केंद्र में पीछे गए जी, उनके साथ आज न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात जी, आमिर साबरी जी यहाँ बैठे हैं, हमारे काबिल दोस्त हैं, भाई हैं, मित्र भी हैं जी। इनके ऊपर जिस तरह से अभी शमसी जी ने सवाल उठाया जी, ये सपा के इनके लगाव है, सपा से जुड़े हुए हैं जी। क्या हम इनसे ये कहें कि आप किराए से भाजपा के द्वारा हायर किए गए तो इनको पसंद आएगा जी? इस तरह की छोटी बातें इस डिबेट में नहीं होनी चाहिए। बात रखने, तर्क रखने का हक सबको है जी। और आमिर साबरी ने सवाल यही से जवाब देना शुरू किया कि मन की बात छोड़िए, काम की बात कीजिए, और काम की बात पे ये लोग फिसड्डी हैं। अच्छा, रत्ती भर काम नहीं कि देश के सारे संस्थान बेच डाले। अच्छा, अपने सरकार को बनाने में, अपने पार्टी को सजाने संवारने और बिल्डिंग बनाने में, अच्छा देश भर के राज्य और जिला मुख्यालयों पे कार्यालय बनाने में, ऐसा आराम करने में इन लोगों ने देश के एक एक संस्थान को बेच डाला जी। और देश का इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रॉड आदमी जी, जो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में जिस तरह से उसका फ्रॉड उजागर हुआ है जी, उस पे जेपीसी की जांच करने का मादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास और प्रधानमंत्री मोदी के पास नहीं है जी। उनके मन की बात जिनके पास इतना भी मादा नहीं है कि उस निष्पक्ष ढंग से जांच करा पाए जी, उनके मन की बात सुन के हम सुन के किस नतीजे पे जा सकते हैं जी? मैंने शुरू में कहा हम उन वादों की बात करें जी। मन की बात का कलेक्शन करना इनका राजनीतिक समीकरण होगा। अच्छा, जिन 14 सीटों पे चुनाव हारे हैं वहां पे मुसलमानों को बरगलाने का ये काम करना चाहते हैं, करें। अच्छा, आपको पता होगा, एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ गौरव जी, इस पैनल में बैठे सभी लोगों को, बोल लीजिए। मदरसा आधुनिक शिक्षा की जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू है जी, मदरसा शिक्षकों को पिछले 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। और आपको बताऊं, उन मदरसा शिक्षकों में केवल मुसलमान नहीं है। अच्छा, तकरीबन 50% हिंदू अध्यापक भी हैं। क्या बात है। विज्ञान और साइंस जैसे विषयों के और समाजशास्त्र जैसे विषयों के, हिंदी जैसे विषयों के अध्यापक हिंदू वर्ग के हैं जी। और मदरसा शिक्षकों की सैलरी आज आपको पता है, लोग आंदोलन करते जब लखनऊ में जाके इको गार्डन में, तो लाठियां बताई जाती है जी। शिक्षा मित्रों को जिस सुनियोजित तरीके से उनको व्यवस्था से नौकरी से निकाल दिया गया। अरे, आपके दो चुनावी परजीवी कहां चले गए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी? जब चुनाव आता है तो उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। समती जी प्रियंका और राहुल को चुनावी परजीवी बता रहे हैं। नहीं, कहां चले जाते हैं? जो कह रहे थे लड़की लड़ सकती हूँ, आज क्यों नहीं लड़ने के लिए आ रहे उत्तर प्रदेश में? पलायन कर गए प्रियंका गांधी, कहां चले गए आपको पता भी नहीं होगा आज की डेट में। रोजगार, अरे आप शांत रहिए, आपके पास सुनने की क्षमता, समती जी, सुनने की क्षमता बहुत है, जितना सुनने के लायक था सुन लिया। आपकी बात कोई ऐसा नहीं है कि सुनने लायक है, बहुत गंभीर बात आप नहीं कर रहे हैं। आप मुसलमानों को बरगला नहीं सकते, समती जी। मुसलमानों को बरगलाने का काम है, मुसलमान शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, इसीलिए आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुट रहा है, क्योंकि वो समझदार है, पहले की तरह नहीं रह गया है। आप बताइए, जवाब दीजिए मदरसा शिक्षकों को। नहीं नहीं, जवाब जवाब जिसको जरूरत होगी उसको जवाब मिल रहा है। ये सब सवाल करके गोलियां भरम फैलाने का काम न करें। आप अपने नेताओं से पूछें कि क्या उत्तर प्रदेश में जगह का मंचन है, महिलाएं सुरक्षित है, पढ़ाई हो रही है, रोजगार की बात करें,
देखिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। अच्छा, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के साथ से अपने अरमान निकाले, विदेशों में घूम के विदेशी यात्राएं करके आ रहे हो, एक पैसे का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर नहीं लेके आए हैं। अच्छा, और देश की अर्थव्यवस्था डूबती चली जा रही है। आज भी देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ जो है, जो आरबीआई ने कही, गवर्नर कह रहे हैं पुराने, की 4% ज्यादा नहीं जा पाएगी। अच्छा, और ये ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आमदनी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी मैंने पूछा, ठीक है, मैंने बीजेपी प्रवक्ता से बताओ, हो गया, हो गया, मोदी हटाओ और देश बचाओ उर्दू में कैसे खाएंगे, ये नहीं बता पाए जी। इनसे पूछी शमसी आजाद साहब से, क्या मोदी हटाओ देश बचाओ कैसे उर्दू में खाएंगे, केजरीवाल हटाओ देश बचाओ, इनको इतनी नहीं उर्दू आती, तर्जुमा यही है, उर्दू इतनी नहीं आती, तर्जुमा यही है, केजरीवाल हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ उर्दू में कैसे खाएंगे, ये नहीं बता पा रहे। चलो ठीक है, उर्दू की नॉलेज है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल चले आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जहर, अरे अरे पोस्टर लगे भाई, उससे लेके आ रहे हैं, पोस्टर से सबसे राजनीति गर्म हो गई है। मोदी हटाओ देश बचाओ उर्दू में कैसे कहते हैं, बताइए जी। ठीक है अमर भाई, शमसी साहब जी, केजरीवाल हटाओ देश बचाओ, आपको उर्दू नहीं आती क्या समझ में, केजरीवाल बार बचा चुके हैं आपको, उर्दू अनुवाद यही है, केजरीवाल हटाओ, आम आदमी पार्टी हटाओ, झाड़ू हटाओ देश बचाओ, देश बचाना है तो झाड़ू को हटाना है, देश बचाना है तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटाना है, देश बचाना है तो केजरीवाल को सत्ता से हटाना है, उसके बाद ही देश बचेगा। अच्छा बोल रहे हैं, उर्दू अनुवाद है, बोल रहे तकी समझी भाई, तकी सैयद मोहम्मद तकी बोल रहे थे, केजरीवाल बच्चों की किताबें बनने वाले आपने, हां प्रधानमंत्री बनने वाले अच्छा अच्छा, ये तो विपक्ष तय करेगा, विपक्ष तय करेगा, जिससे गठबंधन से कांग्रेस पार्टी अगर इस बात को मान ले तो हम भी मान लेंगे, समाजवादी पार्टी मान ले तो हम भी मान लेंगे, हमारे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, एक चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ठीक है अमित शाह मुख्यमंत्री बन गए, मतलब का कहना ये कि एक चेहरा है एक नाम है, बाकी तो सब नकारा साबित हो गए, मन की बात उर्दू में हो, उससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को चाहिए कम से कम एक एक कैबिनेट मंत्री तो मुसलमान दे दें, चलिए उर्दू में बात करें, बनवा देते, ठीक है। आप सभी मेंबर्स कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो चर्चा थी बहुत महत्वपूर्ण कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का उर्दू अनुवाद करके उसको देश भर में यहाँ पर मुस्लिम में बांटा जाएगा, तोहफा दिया जाएगा, बताया जाएगा मुस्लिम धर्मगुरुओं में, बुद्धिजीवियों में एक संदेश दिया जाएगा कि बीजेपी मुस्लिम वर्ग के साथ है और हमेशा मुस्लिम वर्ग के लिए यहाँ पर बेहतर योजनाओं के साथ काम करती आ रही है। आने वाले समय में इस अनुवाद का, इस किताब का कितना असर होगा, कितनी 24 की राजनीति गरमाएगी और मुस्लिम वर्ग किसके साथ जाएगा, ये फिलहाल बात निश्चित नहीं है और फिलहाल ये बात केवल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात तो स्पष्ट है कि मुस्लिम वर्ग को लेकर जिस तरह से यहाँ पर रणनीति चल रही है, एक बात तो स्पष्ट और हो जाती है कि इस वर्ग की निश्चित रूप से भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। भले ही वर्ग अलग अलग हों पर इस वर्ग को कोई भी दरकरार नहीं कर सकता, ये वर्ग सरकार बनाता भी है और सरकार गिराता भी है। यहाँ पर समझना ये बात भी है कि तमाम तरह की किताबों, बातों से, बयानों से अलग अगर हम सब केवल वर्ग को ना देखते, केवल जनता की बात अगर करेंगे कि जनता के लिए हम कैसे बात करेंगे और वास्तव में केवल जनता की बात करते हुए यहाँ मुद्दों को हल करेंगे, उनके बेहतर विकास के लिए और बेहतर काम के लिए अगर काम करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा और परिणाम तभी सकारात्मक आएंगे, अन्यथा जो राजनीतिक लड़ाई है वो चलती रहेगी और इस लड़ाई में फिलहाल फायदा किसी का होने वाला नहीं है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।